गुड आफ्टरनून बेटा। आज ना हम हिंदी की बुक में चैप्टर 7 रीड करेंगे। हिंदी की बुक में चैप्टर 7 रीड करेंगे। आवाज आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए, आवाज आ रही है क्या? टेंट
ऑफिस नहीं के घर पे Oh.
चल रहा हो, मतलब जब हाथी चलता था ना
तो ऐसा लगता था कि काले रंग का कोई पहाड़ चल रहा हो। वह बहुत भला था, किसी को कुछ नहीं कहता था, फिर भी उसके बहुत बड़े आकार को देखकर जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते थे। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, स्टोरी समझ में आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, बहुत बड़ा कौन था? हाथी था, ठीक है ना? हाथी क्या था? बहुत बड़ा था। उसे देखकर जंगल के दूसरे सभी जानवर उससे डरते थे। जंगल के सभी जानवर बेटा किससे डरते थे? हाथी से डरते थे। वेरी गुड। पूरे जंगल में उसका एक भी दोस्त, पूरे जंगल में उसका एक ही दोस्त था। पूरे जंगल में हाथी का एक ही दोस्त था, एक टिटहरी, एक नन्ही सी चिड़िया। पूरे जंगल में हाथी के कितने दोस्त थे बेटा? एक ही दोस्त था, वो भी एक टिटहरी नन्ही सी चिड़िया, ठीक है ना? एक टिटहरी नन्ही सी चिड़िया उसकी दोस्त थी। चिड़िया वो हाथी से बिल्कुल नहीं डरती थी। जो चिड़िया थी वो हाथी से बिल्कुल नहीं डरती थी। दोनों की दोस्ती पक्की थी। कभी कभी वो हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर भी करती थी। जो नन्ही सी चिड़िया हाथी की दोस्त थी ना बेटा, वो हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करती थी। जंगल की सैर करती थी। जब वह हाथी की पीठ पर सवार होती तो उसे बहुत अच्छा लगता था। जब वह नन्ही सी चिड़िया हाथी की पीठ पर सवार होती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना? किसको बहुत अच्छा लगता था हाथी की पीठ पर बैठकर? चिड़िया को। वह जंगल की सभी छोटी बड़ी चिड़ियाओं को छेड़ती हुई चलती थी। हाथी के डर से वे उसे कुछ नहीं कहते थे। मतलब जब नन्ही सी चिड़िया हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करती थी तो वह जंगल की सभी छोटी बड़ी चिड़ियाओं को छेड़ती थी, मतलब परेशान करती थी, ठीक है? और हाथी के डर के कारण उसे कोई कुछ नहीं कहता था, है ना? समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? हाथी और टिटहरी दोनों आपस में क्यों मजाक करते थे? मतलब हाथी और उसकी दोस्त नन्ही सी चिड़िया। नन्ही सी चिड़िया का नाम क्या था? टिटहरी थी। दोनों खूब मजाक करते थे, खूब हंसते थे। उनके दिन बहुत अच्छी तरह बीत रहे थे। एक दिन हाथी और टिटहरी दोनों खा पी कर लेट गए। तब नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन हाथी और उसकी दोस्त जो चिड़िया थी नन्ही सी टिटहरी, वो दोनों खा पी कर लेट गए। उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक हाथी की नींद खुली, हाथी की नींद टूटी, मतलब अचानक से हाथी की नींद खुली तो वह उठकर बैठ गया। हाथी उठकर बैठ गया। उसने देखा कि टिटहरी ऊपर को पैर कर सो रही है। हाथी ने क्या देखा बेटा? टिटहरी ऊपर को पैर कर सो रही है। यह देखकर हाथी को बड़ा अजीब लगा। जब टिटहरी ऊपर को पैर कर सो रही थी तो हाथी ने यह देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। हाथी ने टिटहरी को आवाज दी। टिटहरी ने आंखें खोली और पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो? अभी सोने दो। टिटहरी ने हाथी की जो नन्ही सी दोस्त थी चिड़िया, उसने हाथी से कहा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, अभी सोने दो। हाथी बोला, तुम ऊपर की ओर पैर कर क्यों सो रहे हो? टिटहरी ने उत्तर दिया, मैं तो रोज ऐसे ही सोती हूँ। हाथी की जो दोस्त थी ना, उसने हाथी से कहा, मैं तो रोज ऐसे ही सोती हूँ। हाथी ने पूछा, लेकिन क्यों तुम ऐसे क्यों सोती हो? टिटहरी बोली, क्यों, क्या तुम पढ़कर आराम से सो जाते हो?
चिटहरी ने कहा हाथी से, नन्ही चिड़िया ने हाथी से कहा कि तुम्हें क्या है, तुम तो पढ़कर आराम से सो जाते हो। अगर किसी दिन सोते समय आसमान टूट कर गिर पड़ा तो कम से कम मैं उसे जंगल के
जानवर थे और क्या करना है मैम? हाँ बेटा, ये वाला पेज कंप्लीट कीजिए। पूरे जंगल में उसका एक थी नन्ही सी जान। ओके बेटा, स्टॉप। ओके बेटा, हाँ ओके कंप्लीट। वैभव प्रजापत, वैभव आप बुक रीड कीजिए। बहुत बड़ा बेटा, क्लास चालू हो रही है। वैभव आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। वैभव मोर काले रंग का था। अच्छा रहता था। वह बहुत बड़ा, मोटा, ताजा और काले रंग का था। जब चलता था तो लगता था कि काले रंग का कोई पहाड़ चला जा रहा है। वह बहुत भला था, किसी को कुछ नहीं कहता था। फिर भी उसके बहुत बड़े आकार को देखकर जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते थे। पूरे जंगल में उसका एक ही दोस्त था, एक टिटहरी, एक नन्ही सी चिड़िया। वह हाथी से बिल्कुल नहीं डरती थी। दोनों की दोस्ती पक्की थी। देखा सभी ने? सभी ने स्टोरी देखी?
कैसा लगा? मोबाइल में यू अच्छा सुने। अच्छा मेरी बात सुनिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है? अब आप सभी को ना होमवर्क में हिंदी की बुक रीडिंग करना है। कौन सा चैप्टर रीड करना है? चैप्टर 7 रीड करना है और चैप्टर 7 को वन पेज राइटिंग भी करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, हैंड्स अप करके बताइए मुझे। मैम पावनी अभी वॉशरूम गई है, वो 2 मिनट में आ रही है, आप प्लीज एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। रुद्रा आपने बुक रीडिंग की थी अभी? रुद्र आपने बुक रीडिंग की थी? आपके पास बुक है रुद्र? आपके पास बुक है? ओके, मेरा चैप्टर 7 आप ओपन कीजिए तो रुद्र बुक में। जंगल एक हाथी लगता है वह ऐसा बहुत बड़ा काले ठीक है, बट आप ना बुक रीडिंग कीजिए घर पे, आपको बुक रीडिंग करना नहीं आ रही है। रुद्र आप ना बुक रीडिंग कीजिए बेटा, आपको बुक रीडिंग करना नहीं आ रही है। आप बुक रीडिंग करना भूल गए क्या? क्या हुआ रुद्र? मम्मा क्या कंप्लेन कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा? दो तीन दिन से आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ मैं पढ़ाई कर रहा था इसलिए
इसलिए मुझे वो आ नहीं रहा है। अच्छा तो आपने बुक रीडिंग भी नहीं किया है क्या घर पे बेटा? ठीक है आप बुक रीडिंग कीजिए घर पर। ओके ओके सभी को, अच्छा सभी मेरी बात सुनिए, सभी को घर पर डेली हिंदी इंग्लिश की बुक रीडिंग करना है। जब तक सभी को परफेक्ट बुक रीडिंग नहीं आ जाती है सभी डेली बुक रीडिंग करेंगे। ठीक है आज अपने को सभी को चैप्टर 7 बुक रीड करना है हिंदी में। ठीक है ओके और हिंदी में राइटिंग भी करना है आपको, 1 पेज राइट करना है चैप्टर 7 सुंदर राइटिंग में। ओके मैं कल सभी का होमवर्क चेक करूंगी ठीक है ना, और सभी से कल बुक रीडिंग भी करवाऊंगी मैं। ओके ओके बेटा ओके मैम ओके। सभी घर पे पढ़ाई करते हैं बुक रीडिंग करते हैं? कौन करता है घर पे बुक रीडिंग? रुद्र आप तो नहीं करते, अगर आप बुक रीडिंग करते होते तो आपको बुक रीडिंग करना आती।